हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फैंसी हेल्प के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का यहाँ पे होने वाला है मैच, जो कि यहाँ पे थर्ड T20 मैच है। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से पिछले मैच में यहाँ पे फुल क्लीन स्वीप किया था, विनिंग की थी। कई सारे मेंबर्स ने विनिंग किया था टेलीग्राम पे, उन्होंने हमसे स्क्रीन शॉट भी शेयर किया हुआ है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आज का मैच जो है पिच कंडीशन कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं भाई, पिच कंडीशन सेम है। जहाँ पहला मैच हुआ था वहीं दूसरा मैच हुआ था, और फिर से वहीं पे तीसरा मैच भी हो रहा है। तो आज के वीडियो में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का ड्रीम इलेवन टीम प्रिडिक्शन, फैंटसी क्रिकेट टिप्स, प्लेइंग इलेवन की अपडेट, कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे आज अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हम हैं संदीप जी हैं, काफ़ी यूनिक तरीके से विनिंग स्ट्रेटजी को यहाँ पे बताएंगे, जिसके माध्यम से ड्रीम इलेवन में आप लोग भी विनिंग कर पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और एक बार की तो गारंटी है भाई, जिस बंदे ने वीडियो को लास्ट तक देख के प्रिडिक्शन समझ लिया, मेगा लीग आपकी है, ये बात आप जान लो। लेकिन बस आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। तो संदीप जी, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का क्या पूरा सीन है इस मैच का? मैच का कंडीशन क्या है, वेन्यू क्या कंडीशन है? आज के मैच का जो सीन है, मैं एक डेट आपको बताने वाला हूँ और लास्ट में आपको जो टीमें दूंगा उन टीमों से जरूर खेलिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आज हो सकता है आप विन भी कर लें। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तीन टीमें के बारे में बताऊंगा और जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो हमारे रूल्स हैं उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप अलग से भी टीम बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी टीमें हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग बनाइएगा, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच कितने मैच हुए। दोस्तों आप जानते हैं ये तीन T20 मैचों की सीरीज थी, जिसमें दो मैच वेस्ट इंडीज ने शानदार तरीके से जीत लिया है और आज का मैच वही है, उसी पिच पर है जहां पिछला मैच खेला गया था। तो पिछला मैच के बारे में मैं आपको बताया भी था, तो आज के मैच के बारे में बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले जो हमारी मेन चीज होता है ड्रीम इलेवन में विन करने का, जो 70% यहाँ पर होता है वो पिच रिपोर्ट का होता है। तो पिच रिपोर्ट आप जरूर देख लिया करिए। तो यहाँ पिच बॉलिंग पिच है, बॉलिंग पिच कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन सोचिए बॉलिंग पिच होते हुए 80 रन बन रहा है, तो क्या आप इसे बॉलिंग पिच मानेंगे? विकेट भी गिरते हैं लेकिन बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं गिर रहे हैं, जो कि जिस हिसाब से अगर बॉलिंग पिच में विकेट गिरने चाहिए कि 8-9 विकेट 10 विकेट गिरने चाहिए, एक टीम के ही गिर पा रहे हैं, दूसरी टीम के नहीं गिर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बॉलिंग पिच में तो ये हालत हो जाती है दोस्तों कि 130-140 रन भी बनाना मुश्किल हो पाता, लेकिन यहाँ पर 180 रन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसको दोनों तरह के पिच मानेंगे, बैटिंग भी पिच मानेंगे और बॉलिंग भी पिच मानेंगे, यानी हमको दोनों खिलाड़ी को लेके चलना है। ये गलती मत करिएगा कि बॉलिंग पिच है तो हम बॉलर को ही ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो जिस अकॉर्डिंग पिच खेल रही है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दोस्तों आपको एक दो दिन उसमें निरीक्षण करना है पिच में। पिच भले बॉलिंग बताई जाती है, बैटिंग बताई जाती है, लेकिन आपको एक दो दिन पहले उस पर रिसर्च करना है कि ये पिच क्या कह रही है, कैसे खेल रही है, जो प्रैक्टिस मैच हो रहा है उसमें क्या है, वो सारी चीजें आपको ICC की वेबसाइट पर मिलती है, बताया जाता है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं, वही हम रिसर्च करके बताते हैं। तो यहाँ पर बॉलिंग पिच भले बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैटिंगों को बैटर्स को भी जो अच्छा खेल लेते हैं उनको मदद मिलती है। जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पेसरों के लिए अच्छी पिच है, ये तो कोई तो राय नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट बॉलिंग काफी अच्छी शानदार रहती है, स्पिनरों को थोड़ा कम मदद मिलती है, लेकिन वो भी विकेट लेने में, एक विकेट लेने में सक्षम रहते हैं। हो गई पिच रिपोर्ट के बाद, अब हेड टू हेड की बात कर ले तो यहाँ पर हेड टू हेड जो 15 मैच खेले गए हैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच, उसमें से 9 मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है और केवल 6 मैच यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जीता हुआ है। अब यहाँ पर टॉप पिक मतलब किसको आपको हर टीम में अपने रखना है अगर ड्रीम इलेवन में जीतना है, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको ड्रीम इलेवन में जो सबसे ज्यादा पॉइंट लिया हुआ है वो कौन सा है। तो यहाँ पर चेज है, स्टफ्ड है, ट्राई होप है, और यहाँ पर आर बंदे दूसरे हैं, जोसेफ हैं, विलियम्स हैं, ये लोग दोस्तों अच्छे पॉइंट वाले खिलाड़ी हैं, ये कभी भी अच्छा कर सकते हैं, तो आप इनको लेना मत भूलिएगा, शानदार तरीके से आप इनको ले सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर आप जानते हैं, बैटिंग ऑर्डर का भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, यहाँ कम से कम 3-4 नंबर तक आप बैटिंग ऑर्डर को देख लिया करिए, और एक दो खिलाड़ी उन्हीं 4 में से जो अच्छे खिलाड़ी हों, अभी हम बताएंगे आपको टीमें दिखा के, उनको रख लिया करिए, क्योंकि 3-4 ऑर्डर तक ऐसे होते हैं कि एक बैट्समैन जरूर चलता है एक टीम का, तो यहाँ तक आपको एक अच्छे बैट्समैन
जो कि जिसका होम ग्राउंड हो और जो उस मैच पे अच्छा किया हो उसको आप जो रख लिया करिए। तो वेस्ट इंडीज की तरफ से आप जानते हैं कौन कौन सा ओपनिंग करने आता है, तो साई होप और अंतजे ओपनिंग करने आते हैं, निकोलस पूरम हो गए जो कि दूसरे नंबर पे खेलने आते हैं ये आपको पता है, चौथे नंबर पर आपको जानते हैं चेज आते हैं, फिर पॉवेल आते हैं, मतलब चेज तक आप लोग को निकोलस पूरम हो गए यहाँ पर, ये सबको आपको रखना है क्योंकि हो सकता है आप आज जो है चार्लेस खेलें, अगर चार्लेस खेलते हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं, वो भी शानदार विकेट कीपर हैं और शानदार बैटिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग आप जानते हैं कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पर पहला जो खेलने आता है रिक टर्नल, ये खेलने आते हैं, हैंड्रिक खेलने आते हैं, मैक्रम खेलने आते हैं, स्टम्प, ये चार पांच खिलाड़ी है, आर वेंडे दूसरे, ये पांच खिलाड़ी तक आपको अच्छे बैट्समैन जो है उनको मैं बताऊंगा, इसको आपको रखना है। बॉलर आप जानते हैं कौन कौन बॉलर को रखना है, बॉलर में यहाँ पर आपको जो अच्छे बॉलर हैं जैसे फोर्ड हो गए, मैके हो गए, अगर मैके खेलते हैं तो जोसेफ हो गए, जोसेफ जो कि पिछले मैच में खेले थे, सिफर्ट जो कि ऑलराउंडर है शानदार बॉलिंग की थी पिछले मैच में, और जोनो जिसने कैप्टन बनाया था एक टीम में, हमने कैप्टन भी बनाया था तो शानदार वहां पर विनिंग भी हुई थी, तो आप भी इस तरह की चीजों को लेकर खेलेंगे जरूर प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों आज आपको टीमें बना के दिखाते हैं प्रियम जी। बिल्कुल संदीप जी, तो दोस्तों को आप, मैं टीमें आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इन्हें शेयर करके और टीमें दिखा दीजिए, ये टीम के साथ ले जल्द खेलेंगे। बिल्कुल, इस टीम से अगर आप लोग खेलेंगे तो भाई एक बार की जो सिक्योरिटी है कि विनिंग की स्ट्रेटजी आपकी काफी धमाके, मतलब आपकी टीम विनिंग जोन में रहेगी इसकी गारंटी। लेकिन आप लोगों को जो चीज यहाँ पे पिच के साथ बताई जाएगी आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको एकदम टीम कॉपी नहीं करनी है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे तो दे ही देंगे लेकिन यहाँ पे आपको हम एग्जैक्ट बता देंगे कौन कौन सा प्लेयर चलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप रख लीजिएगा जो मैं आपको 11 खिलाड़ी बता रहा हूँ, इन 11 खिलाड़ी को अच्छे से रख लीजिएगा, एक पांच खिलाड़ी आप अपने से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है, नहीं तो आप इनको लेके, भाई सभी लोग एक ही टीम से खेलेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए अपने हिसाब से एक कार्ड प्लेयर को आप चेंज कर दिया करिए, हो सकता है अच्छा भी कर जाए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो कई विजिटर होते हैं सभी एक ही टीम लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ता है तो वहां पर आप लोग जरूर प्रॉफिट होंगे। तो यहां पर पहले जो वेस्ट इंडीज की तरफ से बता रहा हूं, इन छह सात खिलाड़ी का नाम लूंगा, उनको आप नोट कर लीजिए, उसको आप जरूर रखिएगा। एंथेजे को रखिएगा जो कि पहले ओपनिंग करने आते हैं, अगर चौलेस खेलते हैं वो आपको लाइनअप के बाद टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साई होप को रखिएगा, शानदार बैट्समैन है, पिछले मैच में शानदार बैटिंग की थी। निकोलस पूरम को रखिएगा, ये मैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को बता रहा हूँ, और यहाँ पर चेस को रखिएगा, ये आप खिलाड़ी हो गए, और नीचे आ जाइए दादा फोर्ड को रखना मत भूलिएगा, यहाँ पर ये भी खेलेंगे तो इनको भी रख लीजिएगा आप। सेफर्ड को रखिएगा, और ये इस हिसाब से आपको वेस्ट इंडीज के यहाँ पर लास्ट में एक बॉलर है जोसेफ, उनको रखिएगा, ये आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से रखने हैं। और यहाँ पर आइए साउथ अफ्रीका की तरफ से रिचा हेंड्रिक को आज रखिएगा, रिचा हेंड्रिक अच्छा खिलाड़ी करने वाला, स्टब भी अच्छे करेंगे, तो ये दो खिलाड़ी को आपको रखना है। तीसरा है आर वेंडे दूसरे, इन ये हो गए तीन बैट्समैन, और साउथ अफ्रीका की तरफ से केवल दो बॉलर को आपको रखना है, एल विलियमसन को रखना है, और यहाँ पर आ जाइए बैटमैन को रखना है। ये 11 खिलाड़ी अगर आप अच्छे से रखते हैं टीम में तो आप जरूर प्रॉफिट करके आएंगे, इतना मेरा दावा है। हाँ, एक आध खिलाड़ी आप अपने से चेंज कर सकते हैं, भाई सब लोग सेम टीम लगाएंगे तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है और अगला वाला बाजी मार जाता है, तो एक अपने हिसाब से एक आध प्लेयर को आपको चेंज करना है। और यहाँ पे कैप्टन किसको बनाना है ये आप देख लीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं बता दे रहा हूँ, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आज कैप्टन आप बनाइएगा साई होप को, और वाइस कैप्टन बनाइएगा एक टीम में मैक्रम को, साई होप के साथ मैक्रम को रखिएगा, और निकोलस पूरियम के साथ आप रखिएगा चेज को, यानी चेज जो है हमारे बॉलर ऑलराउंडर हैं तो इनको रखिएगा। ये दो टीम की मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बता दिया। तीसरा कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बता रहा हूँ, एक तरफ आपको रखना है सेफर्ड सेफर्ड को, और दूसरी तरफ आपको रखना है विलियमसन को, यानी सॉरी विलियम्स को, यानी ये तीन खिलाड़ी के वाइस कैप्टन कैप्टन भी बता दिया, बस एक आध खिलाड़ी आपको चेंज करना है, अच्छा करिएगा आप अच्छा दिन करके आएंगे जी। तो यहाँ पे संदीप जी ने भाई आपको देखिए एक टीम का फॉर्मूला बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, एक टीम का फार्मूला हो, पांच टीम का फार्मूला हो, चाहे 20 टीम का फार्मूला हो, स्ट्रेटजी आपकी दोस्तों लगभग लगभग सेम रहती है।
लेकिन जब प्लेयर के कॉम्बिनेशन को आप लोग चेंज करते हैं, प्लेयर की स्ट्रेटजी को आप लोग चेंज करते हैं, तो आपके ड्रीम इलेवन में टीम क्रिएशन काफ़ी यूनिक लेवल पर पहुंच जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी बिगेस्ट, काफ़ी बड़े तरीके से ड्रीम इलेवन में आप लोग यहाँ पे विनिंग स्ट्रेटजी को इनहेंस कर पाएंगे। जैसा कि संदीप जी ने बताया, यहाँ पे भाई साई हो, निकोलस पूरन, टेज स्टेप, काफ़ी प्लेयर हैं आज के मैच में जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से विनिंग दे सकते हैं, काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ पे आप लोगों को विनिंग करा सकते हैं। दोस्तों देखिए, टीम को ना विनिंग जोन में रहने के लिए, विनिंग जोन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं टीम आपकी स्टार्टिंग में रहती है, भाई रैंक रहती है कितनी, रैंक रहती है 100 के अंदर, 200 के अंदर, और जब मैच खत्म होता है तो रैंक आपकी 10 लाख, 12 लाख पहुंच जाती है। तो आपको इसी चीज़ को समझना है कि मुझे अपनी टीम को विनिंग जोन में कैसे लाना है, और विनिंग जोन में लाएंगे तो फिर रैंक वन लाना भी बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ दिन में रैंक वन भी आ जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटजी होती है जिसके माध्यम से संदीप जी ने अभी जो जानकारी दी, उन प्लेयर्स को आप लोग रखिए, लाइव टीम आप क्रिएट करके यहाँ पे दिखाई गई है, जिसके माध्यम से आप लोग सही प्लेयर पिक कर पाएंगे, प्लेयर सिलेक्शन सही कर पाएंगे। और टेलीग्राम तो हमारा है ही है, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहाँ पे आप लोगों को भाई फाइनल टीम तो हम दे ही देंगे। और एक बात आप लोग ये भी जान लीजिए, संदीप जी बॉलिंग पीछे है आज के मैच में, तो भाई जाहिर सी बात है बैट्समैन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि रन रेट बहुत ही कम चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं बॉलर और ऑलराउंडर का अच्छा कम्बिनेशन बन के यहाँ पे प्लेयर के सामने आएगा, और जो लोग इस चीज़ को समझ के ड्रीम इलेवन में टीम बनाएंगे, एक बात आप लोग जान लीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो टीम आपको मल्टीपल बनानी है, कोशिश करें 4 टीम 5 टीम बनाएं, ठीक है। कैप्टन में कैप्टन किसको बनाना है, किसको रखना है, उसके बारे में जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को ऑलरेडी शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और कमेंट करके आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से स्टूडियो में, धन्यवाद।